ओम नमः शिवाय। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के पांचवी पीढ़ी के तंत्राचार शास्त्री लोकेश पागल। शिवतंत्र ज्योतिष फाउंडेशन रजिस्टर्ड भारत सरकार आपकी सेवा में था, है और रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप आउट ऑफ बेड टॉकिंग कवरेज बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। यथा नम तथा गुण, जिसका जैसा नम वैसा गुण आता है। पागल है तो पागलपन आएगा ही, डेफिनेटली आप भी जानते हैं, मैं भी और सब भी। चलिए, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कुछ भी कहता हूँ माफ़ करते रहिएगा। मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के मस्तक झुका के वंदन करता हूँ। आपके पूरे परिवार, आपको घर को नमस्कार करता हूँ। आप मेरे क्या सब कुछ है, मैं आपका सेवक हूँ। दुनिया शिव है। शिव का मतलब जो बोल रहा है वो शिव है, और बोलना बंद वो सब है। यानी जो आत्मा, जो मात्रा लगी हुई है ई की, वो आत्मा है। वो जब हट जाती है तो सब रह जाता है, उसी पे मात्रा लगा दो तो शिव हो जाता है। तो जो बोलता है वो शिव है, जो नहीं बोलता वो सब है। तो आप सब ही शिव हैं, मेरे सब इष्ट हैं आप। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ, गलत नहीं करता। और गलत लग भी रहा है तो मैं आपका हूँ, आपके साथ गलत करता हूँ, किसी और के साथ करने थोड़ी जाऊँगा। बच्चा घर में ही तो गलत करेगा, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, भाभी भैया के साथ, चाचा ताई ताई के साथ, अदर किसी के साथ करेगा कैसे कर लेगा भाई। तो आप मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा और आपको झेलना भी पड़ेगा, ये आप जानिए, मुझे कुछ नहीं पता। छोड़िए, अब आइए उस टॉपिक पर कि हमारा स्कैन करने का चार्ज 501 रुपये है। किसी भी प्रॉब्लम को कराते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, मिलते रहिए और मिलने भी आइए। अब मिलने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है मैंने, अब तक फोन से चल रहा था। और आप ये भी जानिए कि पूरे YouTube पर कौन ऐसा यूट्यूबर तांत्रिक है जो अपना आपको इंट्रोडक्शन देगा। किसी कोई बोलता है अपने परदादा का नाम, दादा का नाम, अपने बाप का नहीं बोलता, अपना कोई एड्रेस नहीं देता। मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल हूँ, आर्टिफिशियल नहीं, कोई भी बनावटी बनी। जो वीडियो में हूँ वो लाइव हूँ, जो लाइव हूँ पूरी लाइफ हूँ। तो मैं अपनी पांचवी पीढ़ी तक का नाम लेता हूँ, क्यों? कि मुझे अपने पे भरोसा है और मुझे अपने इस पैतृक काम पे भी भरोसा है। और मैं जो कर रहा हूँ वो शायद ही कोई कर रहा होगा, उससे अलग कर रहा हूँ। सिर्फ तंत्र, माला, आसन, ठम्मा, ठुल्ली, सुल्ली, ये सब खत्म। सीओ लिया जो रेड घुचड़ू, एक हो जा, दो हो जा, ये जादू इस पे न जाइए। ये भी है, दिखाऊंगा किसी दिन, लेकिन अभी नहीं। चलिए, आज एक बहुत ही विलक्षण प्रयोग आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ कि आप अगर बार बार किसी को कुछ पूछ रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, और आपका व्यापार, ऑफिस, कारोबार, फैक्ट्री या घर में प्रॉब्लम चल रही है और सॉल्व नहीं हो रही, तो एक मोर पंख का उपाय है जो नवग्रह कारक है, नौ ग्रह उसके अधीन रहते हैं। 7 मोर पंख फोटो फ्रेम करा लीजिए, सीधे सीधे थोड़े तिरछे से लगवाइए फ्रेम में, ऐसे तिरछे करके ऐसे, और फोटो फ्रेम गोल्डन उसका बॉर्डर, बाकी अंडर कैसा भी हो, ब्लू हो, रेड हो, वाइट हो, जैसा करा है। और अपने घर की पूर्व दिशा में लगा दीजिए, उस जगह जिस जगह आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं अपने घर में, उस जगह में पूर्व दिशा में लगा दीजिए। अब आप खुद चमत्कार देख के फ़ोन करेंगे कि ये आपने क्या कर दिया, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं। हर क्षेत्र में कामयाबी को आगे बढ़ाते जाएगा, परिवार हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, या कुछ भी हो। भगवान कृष्ण ने मोर पंख अपने मस्तक पर क्यों धारण किया, बहुत बड़ा रीजन था इसका, क्योंकि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। जब गर्गाचार्य मुनि गौशाला में नामकरण संस्कार कर रहे थे 81 डेज यानी 81वें दिन, तो उन्होंने कुंडली को देखा, कहा कि काल सर्प दोष है और इससे बचने के लिए मोर पंख को धारण करा दीजिए मस्तक पर, यह दोष खत्म हो जाएगा। तब से ये धारण किया था। तो मोर पंख नवग्रह कारक, और ये कथा कभी भागवत हमारे द्वारा सुनिए, पूरे विस्तार से बताएंगे, ये वीडियो है, वीडियो लंबा हो जाए इसलिए शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसका मायना है कि मैं 5 घंटे मोर पंख पर बोलता हूँ श्रीमद् भागवत कथा में, कृष्ण नामकरण संस्कार में।
चलिए वेट कर रहे हैं आपका, जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्कैन करा सकते हैं, और स्कैन नहीं करा सकते तो आप यूट्यूब से देख के उपाय कर सकते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय।